हम लोग ज्यादा अच्छे नहीं है खाना खुना में, तो हम लोग जो कर सकते हैं वो होगा बच्चों को बहलाना, फुसलाना, एंटरटेन, उनको मजा करवाना बेसिकली। हमारी टीम में अपूर्वा एक शेफ थी, वो ऑब्वियसली हमारे साथ एक प्लस पॉइंट था। और जो आकाश था उसको चॉपिंग ऐसे 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 करता है जैसे कि पता नहीं, इतना प्रोफेशनल आदमी उसके अलावा कोई था ही नहीं, तो ये चीज हमारे पास एडवांटेज थी। सर क्या बढ़िया काटते हो यार आप तो, क्या ये शादी के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स है ना सर? शादी के बाद तो मैंने कुकिंग करी नहीं, पहले जरूर करी थी। प्रिंस सर इतने प्यारे लग रहे थे, एक तो सारे काम करते हुए, और वो एक्साइटेड इसलिए थे कि मैं घर जाके अपनी बीवी को भी ये सब करके दिखाऊंगा, तो वो कितनी खुश हो जाएगी क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा था। तो आप बेसिस अपने बना रहे हैं, इट्स ऑलरेडी लुकिंग परफेक्ट। ऑलरेडी लुकिंग परफेक्ट यार, बेसिस आर लुकिंग परफेक्ट। वो हमारे बेस परफेक्ट है, इम्यूनिटी जाती हुई दिख रही है। हमारी टीम ने एकदम प्यार से वो टास्क परफॉर्म किया, एक असेंबली लाइन जैसे चलती है एक फैक्ट्री में, उस तरह से हमने परफॉर्म किया। मुझे पिज्जा बनाने में बहुत मजा आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, पर सभी लीडर्स के साथ बनाना बहुत मजा आ रहा है। मेरा काम था बस चीज ग्रेट करने का, क्योंकि चीज के बिना पिज्जा बस ब्रेड और वेजिटेबल्स होता है। Guys, please wear these. Yeah, put it on. Sanjay was dominating, yaar. Captain hai, theek hai, okay, respect. But you cannot scream on me, man. Who's chopping onions and tomatoes? Me. It needs to be thinner than this. It can't be this thick. Too thick. Nahi ho raha. Guys, Zabi, you can do. If you can do now, thinner than that, yes, ma'am. He was trying to be dominating because isko shayad hashtag captain ka tag mila tha. So he behaved in a different way. And I did not like it personally, but maine usko bola bhi nahi wahan pe because I was focusing on my task. Tu ghar pe kapde kaise sukhate hai? Ek saath sare dalte hai, nahi na? One by one. Ek baar sukhao, fir chopping ke liye dalenge. Fir next section will go. Samjha na? कोई चॉप कर रहा है, कोई चीजें धो रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई आलू डाल रहा है उसमें, सब एकदम खुश पड़े हैं टास्क में, एवरीवन सुपर एक्साइटेड और काम फुल थ्रॉटल पे शुरू हो गया है। मैं तो सिर्फ काटे जा रहा था, प्याज काट रहा था, टमाटर काट रहा था, क्यूकम्बर्स काट रहा था, मेरे पीछे थी नेहा एंड शी वाज वर्किंग द स्टोव एंड शी वाज वर्किंग रियली हार्ड। व्हाट हैपेंड? आई ड्रॉप्ड अ पैटी। निशा 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन गाजर कटवा दे। मदद कर मेरी। इतनी सब्जियां काटी ना, इतनी सब्जियां काटी, अगर जिंदगी में घर में इतनी सब्जियां काट ली होती तो घर वाले इज्जत करते। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसमें नमक मसाला सब खुद डाल दूं, है ना? हमारे एक दो मिनट के अंदर नूडल्स खाओ और एंड हैव टू मच फन। आप देख सकते हैं जो हम लिख भी रहे वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है, मोर टू उसमें भी स्माइली फेस। आपका पिज्जा, आपका पिज्जा। रफ्तार सर ने एक प्यारा सा गूफी का इमेज बनाया और अपने स्टॉल के सामने सजा दिया ताकि जब बच्चे आए वो इस कार्टून से अट्रैक्ट हो और हमारे पास ही आए। नूडल शायद प्रिंस ना बना पाए, बर्गर ना बना पाए, पिज्जा ना बना पाए, पर वो लोगों का बेवकूफ जरूर बना पाएगा, आप चिंता मत करिए। मेरे बारे में कुछ बोला, कोई टिप्पणी की गई है? मैं बोल रही हूँ प्रिंस और कुछ बना पाए या ना बनाए, ये लोगों का बेवकूफ जरूर बनाएगा और हमें वही चाहिए ये टास्क जीतने के लिए। मुझे भरोसा है टास्क जीत लेगी क्योंकि ये बाकी सारे टास्क तो हार जाती है। तो ये कुकिंग का टास्क तो इसको जीतना चाहिए। मैं खुद का तो जीत जाए, पर इस बार हम बच्चों के लिए खेल रहे हैं और हमें बच्चों को अच्छा खाना देना है और उनमें से सबसे बड़ा बच्चा मैं भी हूँ। क्योंकि मुझे कड़क अच्छा लगा इसलिए मैं कड़क खाता हूँ। नीचे के मत खाना, एक ऊपर का खा ले अब। वाओ, अगर मैं बच्चा तो मैं कभी नहीं खाता। मैं मजाक कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली वेरी यम्मी। सबसे इंटरेस्टिंग था प्रिंस सर, निखिल सर और नेहा मैम के साथ परफॉर्म करना। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग सेलिब्रिटीज हैं यार। भाई हमने नूडल्स में आग लगा दी थी जब ये टास्क किया था नेपाल में। ये नहीं खा रहा मैं। भाई एक एक भाई। नहीं मैं तेरे नूडल्स एक बाइट लूंगा अभी नहीं। ऐसे चीटिंग ना। कहते हो? हमने एक टास्क किया था कुकिंग का लास्ट टाइम और हम जीते थे। कितने पैसे इकट्ठे किए थे हमने? सही है मतलब। छोड़ ना यार, क्या बना आज ना। छोड़ यार, ये हम ये बाइट ले। मजे कर। मजे। लाएंगे बच्चे कैसे कैसे बेटा?
इसमें चीनी कम है, इसको चलते रह दे, इसमें चीनी डालो। कैसे चीनी? चीनी नाइस मैन। अभी नहीं, नहीं यार मजा नहीं आया। क्या कर रहे हो? अरे यार ये तो बहुत बड़े बड़े काट रहे हो आप, तो छोटे कर दे, प्रोसेस में है। देस देस या माइकल, अरे तुम तो इम्यून हो, आज तुम इम्यूनिटी गंदा बनाओ ताकि वो इम्यून हो जाए। इतना बुरा काटो, इतना बुरा बनाओ ताकि सब सेफ हो जाए आठ लोग, वरना वरना बेचारे छः पाँच रह जाएंगे। कुछ मत देना ठीक है, गंदा गंदा काटना, गंदा गंदा बस। हम सारे अपने कामों में लगे हुए थे और प्यूरी भी बन रही थी, उसी के बीच में आते हैं शेफ जो कि चेक करने आए थे कि हमारा काम अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए बाद में अगर सॉस कम हो गया तो सॉस दोबारा बनाने में दिक्कत आएगी। खत्म कर नहीं, अब इसमें तेल डालो बाकी का। अभी टाइम है ना सर? बिल्कुल टाइम। उन्हें कुछ टेस्ट में डिफरेंस लगा जो कि नॉर्मल प्यूरी में होना चाहिए, उससे अलग थी प्यूरी, तो उन्होंने हमें बताया कि इसमें कुछ ऑलिव ऑयल और कुछ मसालों की भी कमी है। तो हम लोग थोड़ा डर गए क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था प्यूरी को बनाते बनाते और हमें लग रहा था कि प्यूरी अब फाइनली बनने वाली है और बच्चों का भी आने का टाइम हो चुका था। सब कुछ हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द बर्गर टू द चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, सब हो गया है। पैटीज गरम है, तैयार हैं। द ओनली थिंग दैट्स स्लोइंग अस डाउन इज द पोटैटोज, इट्स इन नोबडीज कंट्रोल, क्योंकि वो जो बड़े वाले हैं वो उबल नहीं रहे हैं और सॉफ्ट नहीं हुए हैं। जब तक वो सॉफ्ट नहीं होंगे वी वोंट बी एबल टू फ्राई द पैटी। व्हाई वाज इट ऑफ सभी, व्हाई वाज इट ऑफ? नहीं मैं कम कर रहा था, इट जस्ट गॉट ऑफ एंड इट्स रियली एवरीबॉडी इज पुटिंग इट टुगेदर बट हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये पैटीज जब तक तैयार नहीं होंगी हमारा बर्गर तैयार नहीं होगा। 25 मिनट हो गए और हमारे आलू अब तक उबले ही नहीं, तो आई वी स्टार्टेड सेकंड गेसिंग के हमने बर्गर तो चुन लिया लेकिन अब ये आलू के पैटीज का करेंगे क्या। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है ना। वी केप्ट वेटिंग एंड केप्ट टेस्टिंग द पोटैटोज और उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। रफ्तार सर की टीम के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी थी तो उनके दिमाग में एक ही मूड था, वो था रिलैक्स्ड। अब हमें ये भी देखना था कि बच्चों को खिलाना भी है और इम्यूनिटीज भी लेनी, तो हम लोग स्ट्रेस में थे।